नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा नवी के गणित भाग एक में प्रकट प्रश्न संग्रह एक का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रकट प्रश्न संग्रह एक का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था, अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, पार्थ ने वृक्ष संवर्धन सप्ताह में 70 वृक्षों का वृक्षारोपण किया तो प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का रोपण किया, उनमें से दोनों ने मिलकर के 25 वृक्षों का रोपण किया तो पार्थ अथवा प्रज्ञा ने कुल कितने वृक्षों का रोपण किया है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पार्थ ने कितना वृक्ष लगाया है, 70 वृक्ष लगाया है, और प्रज्ञा ने कितना लगाया है, 90 वृक्ष लगाया है, और दोनों ने मिल करके यहाँ पे 25 वृक्ष लगाया है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा प्रतिच्छेदन हमको दिया गया है, ये प्रतिच्छेदन आ गया है, यहाँ पे 25 वृक्ष आ जाएगा। और पार्थ अथवा प्रज्ञा ने कुल कितने लगाया, जब यहाँ पे कुल पूछा गया है तो ये क्या निकलेगा, संघ निकलेगा, यहाँ पे यूनियन निकलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पार्थ ने 70 वृक्षों का रोपण किया। तो हम लोग यहाँ पे पार्थ के लिए क्या करते हैं, मालूम है, पार्थ के लिए पी मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पी बराबर ये आ गया 70। अब किसका करते हैं, देखोगे यहाँ पे क्या दिया है, प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का रोपण किया, यहाँ पे लिखोगे प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का रोपण किया। अब यहाँ पे प्रज्ञा के लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसको क्यू लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी से प्रज्ञा और पी से पार्थ दोनों है, नंबर ऑफ ये हमने लिख लिया क्यू। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 90। अब उसके बाद में उनमें से दोनों ने मिल करके, मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेदन बनेगा, 25 वृक्षों का रोपण किया, दोनों ने मिलकर कितना लगाया, 25 वृक्ष लगाया, 25 वृक्षों का रोपण किया, रोपण यहाँ पे लिख दिया किया। तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों ने मिलकर के 25 वृक्षों का रोपण किया, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रतिच्छेदन बनेगा, तो ये जगह नंबर ऑफ पी प्रतिच्छेदन क्यों दिया गया है हमारे पास 25, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू बराबर नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ क्यू माइनस नंबर ऑफ पी प्रतिच्छेदन क्यू, ऐसे ही आएगा। ये तो निकालना है पी यूनियन क्यू, तो पी कितना दिया गया, नंबर ऑफ पी दिया गया 70 प्लस नंबर ऑफ क्यू कितना दिया गया 90 माइनस नंबर ऑफ पी प्रतिच्छेदन कितना दिया गया है 25। तो 70 90 कितना होता है, ये हो जाएगा 160 माइनस 25। अब 160 में 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 135, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, ये आ गया 135। क्या पूछा गया, पार्थ अथवा प्रज्ञा ने कुल कितने वृक्षों का रोपण किया, तो इसके उत्तर में लिखोगे पार्थ तथा प्रज्ञा ने कुल 135 वृक्षों का रोपण किया। इसी तरीके से करना है, अब हम अगला करते हैं। पांचवे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि नंबर ऑफ ए 20 है, नंबर ऑफ बी 28 है और नंबर ऑफ ए यूनियन बी 36 है, तो नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी निकालो। यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया गया, नंबर ऑफ ए दिया गया है 20, नंबर ऑफ बी दिया गया है 28 और नंबर ऑफ ए संग बी ए यूनियन बी दिया गया है 36। नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी हमको निकालना है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस
नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में रखते हैं ए यूनियन बी दिया गया है क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया 36, नंबर ऑफ ए दिया गया है 20, नंबर ऑफ बी दिया गया 28, माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है, ए प्रतिच्छेदन बी हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 36, 28 और 20 ये हो गया 48, माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी हमको निकालना है। अब देखो कि ए प्रतिच्छेदन बी यहाँ पे माइनस है ना, इस साइड लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 36 यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पे प्लस 36 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। तो 48 में से 36 गया, ये कितना आ गया 12, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 12, यही आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी एक कक्षा के 28 विद्यार्थियों में से 8 विद्यार्थियों ने घर पर सिर्फ कुत्ता पाला, 6 विद्यार्थियों ने घर पर सिर्फ बिल्ली पाली है, और 10 विद्यार्थियों ने घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों को पाला है, तो कितने विद्यार्थियों के घर कुत्ता अथवा बिल्ली में से एक भी प्राणी को नहीं पाला गया है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है, कुल कितने विद्यार्थी है, 28 विद्यार्थी। यहाँ पे लिखोगे कुल विद्यार्थी बराबर 28 है, तो यहाँ पे जब कुल विद्यार्थी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, विश्व समुच्चय हो जाएगा। तो नंबर ऑफ यू कितना हो गया, ये आ गया 28। यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिर्फ कुत्ता पाला गया है, तो 8 विद्यार्थियों के घर पे सिर्फ कुत्ता पाला गया है, लेकिन यहाँ पे तो चलो ठीक है 8 विद्यार्थियों के घर पे भी कुत्ता पाला गया है, और यहाँ पे 10 विद्यार्थियों के घर पे भी कुत्ता और बिल्ली दोनों पाला गया है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुत्ता पालने वाले विद्यार्थी, कुत्ता पालने वाले विद्यार्थी कैसे निकलेंगे, यहाँ पे ध्यान दोगे ये हो जाएगा नंबर ऑफ डी मानते हैं, ठीक है इसको, 8 विद्यार्थी के घर पे सिर्फ कुत्ता पाला गया है, ये 8 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखोगे 10 विद्यार्थियों के घर में कुत्ता और बिल्ली दोनों पाला गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 8 18, मतलब कुत्ता पालने वाले कितने हो गए, 18 हो गए। अब उसके बाद में बिल्ली पालने वाले, बिल्ली पालने वाले, पालने वाले विद्यार्थी, बिल्ली पालने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, इसको भी वैसे निकालना पड़ेगा, तो ये निकालते हैं नंबर ऑफ सी। नंबर ऑफ सी में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे 6 विद्यार्थी के घर पे सिर्फ बिल्ली पाली गई, तो सिर्फ बिल्ली को यहाँ पे लिख दिया प्लस, यहाँ पे भी तो बिल्ली पाली गई है ना, तो ये 10 ऐड हो जाएगा, ये 10 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 6 16, 16 ऐसे विद्यार्थी हो गए। अब यहाँ पे लिखोगे कुत्ता तथा बिल्ली दोनों पालने वाले, दोनों पालने वाले विद्यार्थी, पालने वाले विद्यार्थी। अब मुझे बताओ कि जब दोनों पालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदन बनता है, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डी प्रतिच्छेदन सी, ऐसे बनेगा। अब इसको समझते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये कुत्ता पालने वाला है और ये क्या बिल्ली पालने वाला है, तो यहाँ पे देखो कि कुत्ता पालने वाले में ये जो इस साइड का 8 आएगा ये क्या हो जाएगा, सिर्फ कुत्ता पाला हुआ है, और इस साइड का जो सी है वो क्या हो जाएगा, इस साइड का सिर्फ बिल्ली पालने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है 10 ऐसे विद्यार्थी जो कुत्ता और बिल्ली दोनों पाल रहे हैं, तो ये क्या बनता है, ये इसका बनता है डी प्रतिच्छेदन सी हो जाएगा। तो इसमें 10 8 18 हो गए ना टोटल, ये डी वाला सर्कल देखो और सी वाले में 10 6 16 होते हैं, यही वाला लगेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ डी यूनियन सी, डी संग सी बराबर नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ डी प्रतिच्छेदन सी। तो नंबर ऑफ डी कितना है 18 प्लस 16 माइनस 10, ऐसा आएगा नंबर ऑफ सी 16, नंबर ऑफ डी प्रतिच्छेदन सी कितना हो गया 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 18 16 34 माइनस 10,
ये हो जाएगा 24। ये 24 क्या आया, नंबर ऑफ डी यूनियन सी आया है। डी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, कुत्ता पालने वाले भी आ गए, बिल्ली पालने वाले भी आ गए और दोनों पालने वाले भी आ गए। तो हमको क्या पूछा गया, तो कितने विद्यार्थियों के घर कुत्ता अथवा बिल्ली में से एक भी प्राणी को नहीं पाला है। कुत्ता तथा बिल्ली में से एक भी प्राणी न पालने वाले विद्यार्थी, एक भी ना पालने वाले विद्यार्थी क्या हो जाएगा। ये क्या है, ये पालने वाले हैं और टोटल कितना 28 है, तो ये न पालने वाले में क्या जाएगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ डी यूनियन सी ऐसे बनेगा। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 24, 28 में से 24 गया। चार विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ना तो कुत्ता पालते हैं ना तो बिल्ली पालते हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे, कोई भी प्राणी न पालने वाले चार विद्यार्थी हैं। कुछ ही इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रत्येक उदाहरण में से समुच्चयों का प्रतिच्छेदन संच समुच्चय वेन आकृति द्वारा दर्शाइए। मतलब यहाँ पे हमको इसको वेन आकृति से दर्शाना है। तो सबसे पहले देखोगे ए समुच्चय में क्या दिया गया, 3, 4, 5, 7, और बी समुच्चय में क्या दिया गया है, 1, 4, 8। यहाँ पे देखोगे कोई चीज सेम मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे देखोगे ए के अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 7, और बी के अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 4, 8। अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों सेम मिल रहा है, मतलब 4 सेम मिल रहा है, तो ये प्रतिच्छेदन वाला बन जाएगा, ए प्रतिच्छेदन बी वाला बनेगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसका घटक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका बनाना है तो इसको इस तरीके से वेन आकृति से बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है देखोगे, यहाँ पे जो कॉमन है कॉमन को यहाँ पे लिख दिया। ए के अंदर बचा क्या है, 3, 5 और ये 7, और बी के अंदर क्या बचा है, 1 और 8। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब इसमें भी वैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया, पी समुच्चय है ए बी सी ई एफ, और क्यू में दिया गया है एल एम एन ई बी। यहाँ पे देखोगे ई और ई ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, और यहाँ पे बी और ये बी ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। और कुछ आ रहा है क्या, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पे वेन आकृति से बनाते हैं। तो सबसे पहले समुच्चय का नाम लिख लो पी और ये रहा क्यू। तो अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या है, बी है और ई है। उसके बाद में पी में क्या बचा है, ए सी एफ, और क्यू में क्या बचा है, एल एम और यल। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, यक्ष समुच्चय, इसके अंदर क्या है, यक्ष ऐसा है कि यक्ष यह 80 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, और वाई में दिया गया वाई ऐसा है कि वाई 90 व 100 के बीच की विषम संख्या है। तो सबसे पहले इसको सूची पद्धति में लिखते हैं यक्ष के लिए। तो यहाँ पे 80 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या ढूंढते हैं जो कि खुद के पहाड़े से जाना चाहिए या तो एक के पहाड़े से जाना चाहिए। तो 80, 81, 82, यहाँ पे आ जाएगा 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। ये इतना ही आएगा, 98, 99 तो आता है। अब यहाँ पे वाई वाला करते हैं। वाई वाले में क्या बोला गया है, विषम संख्या होनी चाहिए, 90 और 100 के बीच की होनी चाहिए। विषम संख्या क्या आ जाएगी, 91, 92, 93 आएगा, 94 नहीं, 95 आएगा, 96 नहीं, 97 आएगा, 98 नहीं, 99। अब इसको वेन आकृति से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा वाई। अब यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 97, 97 कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं है ना, यहाँ पे 97 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, यक्स में और क्या बचा है, 83 बचा है और 89 बचा है, और वाई में क्या बचा है, 91 बचा है, 93 बचा है, 95 बचा है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 99। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं।
आठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय किस समुच्चय का उपसमुच्चय है, यह स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे समुच्चय दिए गए, कौन सा किसका उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे देखोगे यक्ष क्या है, सभी चतुर्भुज है, और यस क्या है, वर्ग है, वी क्या है, आयत है, वाई क्या है, सम चतुर्भुज है, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है टी के लिए। यहाँ पे देखोगे क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर तो सभी आते हैं, वर्ग भी आता है, आयत भी आता है, सम चतुर्भुज भी आता है, और समांतर चतुर्भुज आता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस उपसमुच्चय है यक्ष का, वी उपसमुच्चय है यक्ष का, वाई उपसमुच्चय है यक्ष का, फिर टी उपसमुच्चय है यक्ष का। देखोगे ये चतुर्भुज के अंदर सभी आएंगे ना, चतुर्भुज के अंदर वर्ग भी आएगा, आयत भी आएगा, सम चतुर्भुज भी आएगा और समांतर चतुर्भुज भी आएगा। अब यहाँ पे देखोगे वर्ग जो है वह सम चतुर्भुज के अंदर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यक्ष उपसमुच्चय है वाई का। सम चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज के अंदर में आता है, तो ये हो जाएगा वाई उपसमुच्चय बनेगा टी का। वर्ग आयत के अंदर आता है, तो यस उपसमुच्चय हो सकता है वी का। वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज के भी अंदर आता है, तो यस उपसमुच्चय हो जाएगा टी का। और आयत जो है समांतर चतुर्भुज के अंदर भी आता है, तो वी उपसमुच्चय हो जाएगा टी का। देखोगे सब में चार भुजाएं होती है, इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है चतुर्भुज जो है वो वर्ग आयत सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का समुच्चय होता है। अब हम अगला करते हैं, नवे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि यम कोई एक समुच्चय है तो यम यूनियन फाय और यम प्रतिच्छेदन फाय लिखिए। यहाँ पे देखो अगर हम कोई भी यहाँ पे सपोज करो हम लोग यहाँ पे एक समुच्चय ले लेते हैं, एक दो तीन चार और पांच, और फाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी एक समुच्चय है जो कि नील है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं फाई। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यम यूनियन फाई निकालना है, तो यम यूनियन फाई में क्या आएगा, देखोगे जब यूनियन निकालते थे तो ये इसमें और इसमें दोनों में लिखते थे, जब इसका इसका दोनों का लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच, और इसका तो कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं यम यूनियन फाय बराबर, ये किसके बराबर है, देखो एक दो तीन चार पांच, ये किसके बराबर आया है, ये यम के बराबर आया है, ये आएगा हमारा उत्तर। अब उसके बाद में दूसरा वाला क्या निकालना है, यम प्रतिच्छेदन फाय निकालना है, यम प्रतिच्छेदन फाय निकालना है, तो जब यम प्रतिच्छेदन फाय निकालना रहेगा तो ये देखोगे ये दोनों में चेक करोगे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा, जब यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये किसके बराबर है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब ये फाय के बराबर है, तो इसका उत्तर लिखोगे यम प्रतिच्छेदन फाय बराबर, यहाँ पे ये आ जाएगा फाय, ये आएगा हमारा दोनों उत्तर है, ये वाला और ये वाला उत्तर है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, दसवें प्रश्न में क्या दिया गया, यहाँ पे विश्व समुच्चय दिया गया, उसके अंदर ए समुच्चय दिया गया, बी समुच्चय दिया गया, तो संलग्न आकृति के आधार पर यू ए बी, ए यूनियन बी और ए प्रतिच्छेदन बी समुच्चय लिखिए। यहाँ पे समुच्चय लिखना है ना, तो सबसे पहले यू का लिखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं एक दो तीन है, चार पांच, फिर छ नहीं है, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नहीं है, तेरह, ये हो जाएगा एक दो तीन चार पांच, छ नहीं था, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नहीं है, तेरह। अब क्या करना है, देखोगे यू हो गया, अब ए लिखना है, यहाँ पे ए समुच्चय बनाते हैं, ए समुच्चय के अंदर क्या है, देखो एक है दो है तीन है पांच है और सात है, उसके बाद में किसका बनाना है, बी लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं बी समुच्चय के अंदर क्या क्या आएगा, देखोगे एक है पांच आठ नौ दस, यहाँ पे एक पांच आठ नौ और ये रहा दस। अब क्या ए यूनियन बी है, यहाँ पे ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या आएगा, देखोगे जो ए में भी रहे और बी में भी रहे और ये भी रहे, तो ये हो जाएगा एक दो तीन चार नहीं है पांच छ नहीं है सात, पहले इतना लिख लेते हैं, एक दो तीन चार नहीं है पांच
छह नहीं है सात, उसके बाद में आठ, नौ, और ये रहा दस। देखो एक दो तीन चार नहीं है पांच सात, फिर यहाँ पे आठ नौ दस। अब क्या करना है, ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्रतिच्छेदन बी। ए प्रतिच्छेदन बी में क्या आएगा, ये जो दोनों में रहता है तो ये क्या हो जाएगा एक और पांच। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया, यदि नंबर ऑफ ए 7 है, नंबर ऑफ बी 13 है, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 4 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो। यहाँ पे देखो कि सबका दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे सीधा फॉर्मूला रखते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। ऐसे आएगा, यह हो जाएगा नंबर ऑफ ए 7 प्लस बी 13 माइनस ए प्रतिच्छेदन बी, कितना हो गया 4, तो 13 7 20 माइनस 4 ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 16, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, कृति वन रिक्त स्थान में समुच्चय घटक लिखिए। तो यहाँ पे देखोगे यू में दिया गया है एक तीन पांच आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पंद्रह, ए में दिया गया है एक ग्यारह तेरह, बी में दिया गया आठ पांच दस ग्यारह बारह। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकलता कैसे है, देखोगे इसके अंदर से यू वाले के अंदर से एक ग्यारह तेरह ना लिख करके बाकी सारे यू के घटक लिखना है। तो एक नहीं लिखना है, तो तीन पांच आठ नौ दस यहाँ पे लिखेंगे, तीन पांच आठ नौ दस, उसके बाद में ग्यारह तेरह नहीं लिखना है ना, तो ग्यारह नहीं लिखना है, तेरह नहीं लिखना है, तो क्या आएगा बारह और पंद्रह, यहाँ पे आ जाएगा बारह और पंद्रह। ये यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना। तो क्या क्या आएगा देखोगे, एक ग्यारह तेरह नहीं लिखना है, एक ग्यारह तेरह नहीं लिखना है, तीन पांच आठ नौ दस, देखो तीन पांच आठ नौ दस, उसके बाद में ग्यारह तेरह नहीं लिखना है, तो बारह और पंद्रह बचा है, तो बारह पंद्रह। अब यहाँ पे क्या करना है, बी डैश का करना है, यू के सारे घटक लिखना है, ये जो बी का घटक है इसको छोड़ करके, यहाँ पे आठ पांच दस ग्यारह पंद्रह नहीं लिखना है, कौन कौन सा नहीं लिखना है, आठ पांच दस ग्यारह और पंद्रह, ये नहीं लिखना है। तो बचेगा क्या, एक तीन नौ बारह तेरह, यहाँ पे आ जाएगा एक तीन नौ बारह और तेरह। अब क्या करना है, ए प्रतिच्छेदन बी निकालना है। अब यहाँ पे देखोगे सेम कौन सा है, यहाँ पे देखोगे ग्यारह मिल रहा है, ग्यारह मिल रहा है, और कुछ है क्या सेम, और तो कुछ नहीं है ना, तो प्रतिच्छेदन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्यारह आ जाएगा। उसके बाद में यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, जो ग्यारह सेम है वो भी रहेगा और बाकी भी रहेंगे, तो बाकी पहले ए वाला लिखते हैं, एक आठ पांच दस ग्यारह तेरह और ये रहा पंद्रह। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे ये जो सेम है वो भी लिखना है, उसके साथ में एक तेरह हो गया, एक यहाँ पे लिख दिया, तेरह यहाँ पे लिख दिया, आठ पांच दस पंद्रह, आठ पांच दस और ये रहा पंद्रह। इसी तरीके से करना है। अब क्या करना है, ए प्रतिच्छेदन बी का डैश निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए प्रतिच्छेदन बी कहाँ पे है, देखोगे ये है ना, तो ए ये इसका जब डैश निकालेंगे ना, तो यू के सारे घटक आएंगे सिर्फ ग्यारह को छोड़ करके, ये पूरा लिख लो, एक तीन पांच आठ नौ दस, ग्यारह नहीं लिखना है, बारह तेरह और ये रहा पंद्रह। अब क्या करना है, देखो ए डैश और बी डैश का प्रतिच्छेदन, मतलब यहाँ पे ए डैश है और बी डैश है, इसमें सेम कौन कौन सा आ रहा है, सेम देखोगे ये तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे नौ है, यहाँ पे भी नौ है, यहाँ पे बारह है, यहाँ पे बारह है, तो क्या आ जाएगा तीन नौ और बारह। अब क्या करना है, ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना है। यहाँ पे देखोगे ए डैश है, यहाँ पे बी डैश है, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो भी लिखना रहेगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना रहेगा। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा देखोगे, एक आएगा, तीन आएगा, पांच आठ नौ तो कॉमन है, दस ग्यारह नहीं है, बारह कॉमन है, तेरह है और ये रहा पंद्रह। इस तरीके से आया, देखो तीन और बारह कॉमन है, तो तीन और बारह लिख दिया। अब यहाँ पे बचा क्या है, पांच आठ नौ, पांच आठ नौ, दस बारह पंद्रह, दस बारह पंद्रह इधर आ गया,
और 3 9 12 कॉमन है तो 1 13 1 और 13 इधर आ गया। अब क्या करना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे यू के अंदर के सारे घटक लिखना है, सिर्फ ये जो है यूनियन बी वाला जो है ए यूनियन बी वाला नहीं लिखना है। तो क्या क्या नहीं लिखना है देखोगे, 1 8 5 ये हो गया, 10 11 13 10 11 13 फिर यहाँ पे 15 ये नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 12 यहाँ पे लिख दिया 3 9 12। अब क्या बोल रहा है जांच कीजिए, देखो ए प्रतिच्छेदन बी का डैश कहाँ पे है, ये वाला है, ये जो है ए डैश संग बी डैश के बराबर है क्या, देखोगे ए डैश संग बी डैश इधर है तो ये दोनों बराबर है क्या, देखो 1 3 5 8 1 3 5 8 9 10 12 13 9 10 12 13 15 ये दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश कहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आया, ये जो है ए डैश प्रतिच्छेदन बी डैश के बराबर है क्या, ए डैश प्रतिच्छेदन बी डैश कहाँ पे देखोगे, ये है 3 9 12 3 9 12 ये दोनों बराबर है। तो कहने का क्या मतलब है, ये हमको दो नया फॉर्मूला मिल गया। अब हम अगला करते हैं, कृति दो में क्या दिया गया, आपके पास पड़ोस में रहने वाले 20 परिवारों से निम्नलिखित जानकारी लीजिए, पहला सब मराठी समाचार पत्र लेने वाले परिवारों की संख्या, दूसरा अंग्रेजी समाचार पत्र लेने वाले परिवारों की संख्या, और तीसरा अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं के समाचार पत्र लेने वाले परिवारों की संख्या, ली हुई जानकारी को वेन आकृति द्वारा स्पष्ट की। यहाँ पे ये वाला जो है ये मराठी पत्र का है और ये अंग्रेजी समाचार पत्र का है, इस तरीके से हम लोग इसको अंग्रेजी के लिए ई लिख लेते हैं और मराठी के लिए समुच्चय यम लिख लेते हैं। तो हमारे एरिए में जो है 9 जो लोग है वो सिर्फ मराठी का लेते हैं और यहाँ पे 8 लोग जो है वो अंग्रेजी का लेते हैं और 3 परिवार ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र लेते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रखंड प्रश्न संग्रह 1 कम्प्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रखंड प्रश्न संग्रह 1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।